मैंने बुर्ज खलीफा को चलते हुए देखा। अब कैसे चलते हुए देखा यार, बता रहा हूँ। आगे नाइफ है, उधर नाइफ है, और नाइफ दुबई में जाएंगे, और उधर ही हम जा पीजिए भाई देखो, 80 ग्राम का एक पीस है और 200 ग्राम का वन पीस। अरे परेशान कर रहे हो भाई, क्या रे कहा ले गया तेरा, अरे क्या ले गया रे जिसको परेशान कर रहा है, अंडा खा गया होगा इसका अंडा। वो इन्हीं का दिया हुआ है, इसी पानी का दिया हुआ है, देखो। जी हाँ, मैं आया और शॉपिंग करके आया, और क्या करने वाला हुआ, तो टाइम हो गया शाम का 5:30 और दिन है आज दूसरा डेरा दुबई का। नाइफ बस्ती से निकले और फिर चल दिए एक नई जगह पे, तो आप लोग बने रहो, और ये भी जगह ना आपको देखने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, तो आगे मैं चल के आप लोगों को एक्सप्लोर कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये आ गया मच्छी मार्केट में, मैं अभी आ चुका हूँ, मच्छी मार्केट है लुलू, और बताया जा रहा है कि इसके अंदर ही मतलब पोर्ट है, मतलब स्टीमर वगैरह चलता है, तो चल के देखते हैं। लेकिन यहाँ आते आते ना दोस्त क्या हुआ कि स्मेल आने लगा मछली का, तो मुझे रूल्स के हिसाब से तो लगाना पड़ेगा मास्क, लेकिन अगर बदबू भी आ रहा है ना तो उसको भी बचाता है ये मास्क, तो मुझे अभी मास्क लगाना पड़ेगा, उसके बाद चलते हैं और अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों दुबई में अक्सर आप लोग बुर्ज खलीफा का वीडियो देखते, जुमेरा का वीडियो देखते, मरीना का वीडियो देखते, लेकिन कभी वो पैलेस को नहीं देखते कि यहाँ मजदूर लेबर लोग कैसे रहते और कौन से एरिया में रहते हैं। इनके लिए नहीं, बड़े बड़े जो इमारत है ना इनके लिए तो एक खाबी बन गया, दुबई आके भी ये चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। और लेबर को जो रहने का इलाका है ना वो इस सबसे डिफरेंट होता है और अलग होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता दुबई का। बस जो फेमस चीज़ है, जो मतलब बड़े बड़े इमारत है और जो दुनिया को देखने वाला चीज़ है, उसको ही सब एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन यहाँ लेबर कैसे रहते हैं, मजदूर का एरिया कौन है, लेबर का एरिया कौन है, काम करने वाले कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इन पर कोई बात बिल्कुल ही नहीं करता है। और फिश मार्केट के अंदर मैं इंटर हो रहा हूँ, फिश मार्केट में ये भाई, ये कौन सा पीस है भाई देखो, 80 ग्राम का एक पीस है, 80 ग्राम का एक पीस, ये देखो ये फिश मार्केट। अब भाई कौन कौन सी मछलियां, मैंने तो जिंदगी में कभी देखी नहीं यारो, ये भी मछली है क्या, ये भी 35 ग्राम का है वन पीस, खाने वाला ही खाली शो में रखने वाला है, ये भी 80 ग्राम का, 35 ग्राम इसका रेट आ रहा है, 220 ऊपर फिर ये है 220 ग्राम का ये। हमारे इंडिया में इसको तो कोकड़ा बोलते हैं, आप लोग बताओ क्या बोलते हैं इसको, एक कोकड़े का कीमत है 170 दिरहम, दुबई का करेंसी है 170 दिरहम का एक कोकड़ा, लेकिन साइज में बड़ा है। क्या क्या मिल रहा भाई इधर, तो होगा भाई 200 दिरहम का वन पीस। यहाँ रंग बिरंग मछली देखने का रीजन यही है कि बाजू में समंदर है, इसलिए यहाँ रंग बिरंग का मछली देखने का मिलता है। हाँ दोस्तों, तो बाजू में समंदर है इसलिए जिस मछली को कभी देखा नहीं था, जिस फिश को कभी देखा नहीं दुनिया में ना, उसको यहाँ देखने को मिल रहा, और ऐसा लग रहा है कोई कुछ कुछ मछली ऐसा है ना कीड़ा लग रहा है, खाने का जी भी नहीं कर रहा, कौन खाता है इसको, कोई ना कोई तो खाता ही होगा, जब भी तो यहाँ मिल रहा है। तो यही रीजन है भाई, जो यहाँ एंटिक मछली की यूनिक मछलियाँ देखने को मिलती है ना, यही वजह है। देखो पूरा समुंदर है, और ये जितना भी बोट देख रहा है ना, और ये बोट जो बना हुआ है ना, सब मछली निकालने के लिए बनाया गया, और मछलियों को पकड़ पकड़ के लेके आते हैं यहाँ पे, इसी वजह से हमने जो जितने भी सारे फिश देखे अंदर वो इन्हीं का दिया हुआ है, इसी पानी का दिया हुआ है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, लेकिन स्मेल आ रहा है यहाँ पर मछली का, थोड़ा थोड़ा स्मेल आ रहा है।
डेरा दुबई का तो डोरा यूँ तो डेरा दुबई में पड़ता है ये फिश मार्केट और ये लुल्लू हाइपर मार्केट के पीछे है। और लुल्लू हाइपर मार्केट में ही अनोखा अनोखा फिश देखने को मिला है और उन्हीं के पीछे ये पोर्ट बनाया गया है। ये देख रहे हैं ना ये पोर्ट, और इन्हीं के थ्रू यहाँ पे दुनिया का अनोखा अनोखा फिश मछलियाँ आता है समुद्र के थ्रू। अगर ये ना होता तो वो अनोखा फिश कहाँ देखने को मिलता है इधर। हाँ केजी आप भाई केजी कैसा केजी दो रुपया 50 पैसा केजी उधर ये पूरा कितना केजी का आएगा? आएगा 50-60 किलो आज ये 50-60 किलो का। खाए गए बटेल का है। जी हाँ मैं आया और शॉपिंग करके आया और क्या करने वाला आज आ जाओ इधर दिखा देते जाओ। ये मैंने बचपन का याद ताज़ा किया और लिया है मैंने खजूर और हम तीनों जन मिल के मनाने वाले इसकी पार्टी करेंगे एक जगह बैठ के। ओए ए बिल्ली को चिढ़ा रहा अरे परेशान कर रहे हुआ अरे कहा ले गया तेरा अरे क्या ले गया अरे जिसको परेशान कर रहा है अंडा खा गया होगा इसका अंडा इसलिए परेशान किया अंडा खा लिया होगा इसका या बच्चा खा गया होगा मर मर। तो हम तीनों जन ने मिला के लिया ये खजूर कच्चा खजूर जो गांव में होता है ना जो इंडिया में होता है ना वो जो खजूर मिलता है एक पक्का वाला ये कच्चा वाला एकदम ताज़ा जो अभी लाली हुआ है इसको सूखने के लिए छोड़ेंगे ना तब ये जाके बनेगा छुहारा और खजूर। तो 5 दिरहम का लिए है अगर इंडिया में इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑन रोड 105 रुपये इंडियन करेंसी हो जाता है। तो दोस्तों दुबई का सबसे फेमस जो है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा को आप लोगों ने वीडियो के माध्यम देखा होगा और जो लोग यहाँ है ना दुबई में वो तो जाके भी देखे होंगे लेकिन मैं उसका एक फैक्ट बताता हूँ मैंने बुर्ज खलीफा को चलते हुए देखा अब कैसे चलते हुए देखा यार बता रहा हूँ कि मतलब दुबई में किसी भी कोने में चला जाओ ना वहाँ से बुर्ज खलीफा ताकती रहती है वो इंसानों को इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको मैं चलते देखा मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी ये कोने में नजर आता है कभी वो कोने में नजर आता है कभी वो कोने में नजर आता है तो इसलिए बोला बुर्ज खलीफा ठहरा नहीं एक जगह पे वो चल रहा है। तो हुआ ना अभी नाइफ एरिया की तरफ बढ़ गया हूँ नाइफ दुबई और बुर्ज खलीफा वहां से दिख रहा था अब यहाँ से नहीं दिख रहा तो होता है ना चलते हुआ मतलब बुर्ज खलीफा चल रहा है क्योंकि मैं उधर था ब्रिज के पास था तो वहां से दिख रहा था अब यहाँ आ गए तो कौन से कोने में चलेगा पता नहीं चल रहा है इसलिए मैंने बोला बुर्ज खलीफा को चलते देखा लेकिन खैर कोई बात नहीं अब ये नाइफ दुबई में है आगे नाइफ है उधर नाइफ है और नाइफ दुबई में जाएंगे और उधर ही कारोबारी एरिया वही है और जो लेबर लोग रहते हैं ना मजदूर जो रहते हैं ना उनका एरिया ये नाइफ और नाइफ एरिया फुल क्राउड है और फुल क्राउड के साथ साथ यहाँ लोग थोड़ा फ्री इंजॉय करते हैं। तो बस दोस्तों वीडियो करते हैं कंप्लीट यहीं पे और शाम का 7:00 क्रॉस हो गया मतलब 7:30 हो गया और सूरज पूरे तरीके से डूब चुका हुआ है और इंडिया में इस वक्त जो टाइम हो रहा होगा 9:00 होगा। तो वीडियो का करते हैं यहीं पे कंप्लीट और इतनी रात को भी दुबई चकमक कर रहा है तो बाकी आप लोग जहाँ भी हो जैसे भी अपना ख्याल रखना मिलते हैं फिर एक और धागा वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।